व्हाट्सएप के अंदर आप किसी के भी स्टेटस पे क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर इंटरनल स्टोरेज। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एरर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये एरर आपको देखने को क्यों मिलता है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं तो आखिर कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके सामने भी इस तरीके के जो है स्टेटस पे जो है एरर आ रहा है व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो इसके मोस्टली दो ही कारण हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल क्लियर और लाउडली बता देता हूँ कि इसके दो ही रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। पहला जो रीज़न है वो क्या है, देखिए आपका जो व्हाट्सएप है इसके अंदर आप थ्री डॉट पे जाएं, अपनी मेन सेटिंग्स में जाएं व्हाट्सएप की, और यहाँ पे एक चैट्स का सेक्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे चैट बैकअप का एक ऑप्शन है। अगर आपको जो है आपने जो है बैकअप ले लिया है चैट का, ठीक है, आप अगर सोच रहे थे कि यार व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करूं और वापस में चैट बैकअप लेके अपना जो डाटा है उसे इजीली रिकवर कर लूं, अगर आपने बैकअप ले लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं बार बार, अगर आपने बैकअप ले लिया है उसके बाद अगर आप किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो उसके बाद यही वाला एरर आपको जो है शो होने वाला है, ठीक है, यही दिखाई देगा इंटरफेस, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा रीज़न बताता हूँ वो क्या है, देखिए आप अपने फाइल मैनेजर में आएँ और यहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड पहले नंबर पे, सभी ऐप्स का डाटा एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर ही अलग अलग सबके जो है ऐप्स के फोल्डर बन जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, अगर तो व्हाट्सअप का भी इसी के अंदर बनता है। अगर आपका ये जो फोल्डर है एंड्रॉयड अगर ये ही डिलीट हो गया है यहाँ से, ये मिसिंग हो गया है, तो भी आपको व्हाट्सअप पे यही वाला एरर देखने को मिलेगा। या फिर आपको जो है अगर आपका एंड्रॉयड वाला फोल्डर डिलीट नहीं हुआ है, आप और एंड्रॉयड के अंदर जाएं और या तो मीडिया का डिलीट हो गया है या फिर मीडिया के अंदर एक व्हाट्सअप का जो है डायरेक्टली व्हाट्सअप का जो फोल्डर है यहाँ से ये रिमूव हो गया है, मिसिंग हो गया, गायब हो गया भाई ये वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यही जो एरर है देखने को मिलेगा, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब ये एरर आपको क्यों देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, तो गाइस यहाँ पे आपको फाइनली बता देता हूँ इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी बट सब में अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, आप ट्रिक्स लगाइए आपकी जो प्रॉब्लम है कभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये रीज़न ही बिल्कुल अलग है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं ऐसा कब तक चलेगा। देखिए जब भी जिस बंदे का भी आप स्टेटस देख रहे हैं, आप जो उसका पुराना स्टेटस है उसके बाद जैसे ही पुराना स्टेटस एक्सपायर होगा और वो नया स्टेटस को अपडेट करेगा, कोई भी नेक्स्ट स्टेटस लगाएगा, तो वो स्टेटस आपको इजीली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो पुराने स्टेटस हैं उनको जब भी आप क्लिक करेंगे उन पे यही वाला एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।